तुर्की तो बुल्गारिया आले रस्ते दे विच ट्रैक दा जिहड़ा हादसा होया अज डंकी दे विच जिहड़े आ रहे सन साडे मुसाफर पाकिस्तानी अफगानी और ए अल्लाह पाक वालों एक समझ लो कि अजमाइश भी और बुरी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, क्या हाल है? हम आए रोज सुनते रहते हैं कि यूरोप जाने वाले अफराद की कोई कश्ती डूब गई है या बॉर्डर पर मर गए हैं गोली लगने की वजह से। अच्छा जी, ये क्यों लोग मरते हैं? इंसान को लगती है भूख और इंसान खाता है रोटी, लेकिन इंसान को लगती है भूख और इंसान खाता है टिक्के कबाब या चिकन कढ़ाई के साथ रोटी। अब इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं पहले भी कई वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ख्वाहिशात को सर पर मत चढ़ाएं। ज़रूरियात पूरी आपकी हो रही हैं तो ठीक है भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जब हम लोग ख्वाहिशात को सर पर चढ़ा लेते हैं तो फिर हम कोई भी कदम उठाने पर तुल जाते हैं। अब हम लोगों को तो ये भी पता है कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए हमें यूरोप या किसी इस तरह के किसी भी कंट्री में जाने की ज़रूरत है। यूरोप जाने के लिए अब हम लोग इतने इतने जो है ना मुश्किल जो इकदाम हैं वो उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि हम अपने पासपोर्ट पर कानूनी तरीके से हम जा ही नहीं सकते। हमने ये अभी हमने अपने अंदर ये चीज़ सवार कर ली हुई है कि हम कानूनी तरीके से तो किसी यूरोप कंट्री में जा ही नहीं ना सकते, हालांकि ऐसा तो नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी सेटलमेंट के लिए आपको एक दफ़ा यूरोप अगर आप चले जाएं तो आपको शुरू में तकलीफ़ात होती हैं। परमानेंट सेटलमेंट के लिए आपको शुरू में तकलीफ़ात उठानी पड़ती हैं, लेकिन जब आपको पासपोर्ट वगैरह मिल जाता है तो उसके बाद आपकी अगली ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरती है। लेकिन भाई, अब सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए पासपोर्ट, वहाँ यूरोप में जाने के लिए पासपोर्ट लेने के लिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ये जो बीच वाले लोगों ने रास्ता अख्तियार किया हुआ है, मेरी जान है हम लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है, बगैर हम कानूनी तरीके से जाने के बजाय हम इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, ये बड़ा आसान रास्ता होगा। भाई मेरे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आँख झपकेंगे और आप यूरोप में पहुँच जाएंगे। ये भी बड़ा ख़तरनाक तरीन रास्ता है और मौत का सफ़र है, जिसको कहते हैं मौत का सफ़र है। अब ये गुज़िश्ता चंद दिन पहले ये जो हादसा हुआ है, अब इसी की बात कर लें तो इसमें 40 से 50 के करीब जो हैं बंदे मर चुके हैं। अभी ये भी मौत के सफ़र पे निकले हुए थे, टर्की से जो है बुल्गारिया और बुल्गारिया से आगे इटली जाना था इन लोगों ने, तो बुल्गारिया में ट्रक जा रहा था तो उस वो किसी हादसे का शिकार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें 40 से 50 के करीब लोग थे जो कि पाकिस्तानी और अफगानी थे, और अब इन लोगों की जो है शिनाख्त अभी एम्बेसी से उन लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी जो है दरख्वास्त दे रहे हैं कि वो इनकी शिनाख्त वगैरह हो जाए और इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं पाकिस्तान में पहुँचवाई जाएँ। अच्छा जी, ये लोग अब जो बात करने वाली है, ये लोग भी अपने साथ हज़ारों ख्वाहिशात ऐसी लेकर चले थे कि हम भी यूरोप चलते हैं, ख्वाहिशात की बना पर ही गए थे ना, ख्वाहिशात के पीछे ये गए हैं और अब मर गए हैं। अच्छा, अब ये तो मर गए, मरने वाले मर गए, अब जो जो इनके बहन भाई या इनके माँ बाप या जो शादीशुदा थे उनके पीछे बच्चे हैं, अब वो तो सारी ज़िंदगी इस दर्द को लेकर रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, बिलखते रहेंगे कि हमने उनको भेजे ही क्यों था इस रास्ते पर। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये छोटा सा है, खुदा की कसम ये इतना रास्ता आसान नहीं है। लोगों ने ऐसे समझा हुआ है कि ये पता नहीं कोई, अगर हम उस तरीके से नहीं जा सकते तो ये आसान काम है, इस तरीके से चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी बड़ा मुश्किल रास्ता है, इस पे भी जाने जाती हैं, इस पे भी जो है आपको हज़ारों दिन जो है, क्योंकि मैं हज़ारों दिन इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ से यकीन करें तुर्की से जो लोग आगे इटली जाते हैं तो कभी कभी उनको रास्ते में दो दो ढाई ढाई साल, मेरे जानने वाले अपने दोस्त हैं जो गए हैं और उनको दो से तीन तीन साल भी लगे हैं रास्ते में आगे। इधर बहुत जो है ना इन्होंने बॉर्डर स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, यकीन करें बॉर्डर पर कभी कभी तो ऐसा होता है गोली मार देते हैं डायरेक्ट। अच्छा, उसको छोड़ें, आप समंदरों की बात करें, यकीन करें अल्लाह के ऐसे ऐसे ये लोग हैं, जेंट लोग जो हैं, आपको समंदरों के बीच लहरों के, बड़ी बड़ी लहरों के दरमियान आपको छोटी छोटी किश्तियों में सवार करके बड़ी बड़ी लहरों के दरमियान आपको धकेल देते हैं, बस आप अल्लाह के भरोसे होते हैं और आप मौत को इस तरह अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। सोचते हैं कि हम पासपोर्ट वगैरह का अपना जो स्टेटमेंट वगैरह बनवाएंगे तो उस पर हमारा टाइम लगेगा, हमें मुश्किल होगी, हमें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो मेरे भाई टाइम अगर उस पासपोर्ट के ज़रिए आपको लीगल जाने के लिए टाइम लगता है तो टाइम इसमें भी लगता है। इसमें भी लोग यकीन करें दो दो महीने, तीन तीन महीने इधर
आकर ख्वार होते रहते हैं, तब जाके इधर से कोई जाने का प्रोग्राम बनता है। और ले जाते भी किस तरह, फिर ट्रकों में छोटे छोटे जो ट्रक होते हैं उनमें बंद करके, यकीन करें 10 बंदों की जगह नहीं होती, जिधर जिस जिधर उन्होंने 40 40 50 50 बंदे जो है ना भेड़ बकरियों की तरह उनको रखते हैं, डाल देते हैं। और उनको इस तरह ही समझे जिस तरह लोडर गाड़ी में कोई आप लोडर सामान जो लेकर जा रहे हैं वो ले जा रहे हैं, इस तरह लोगों को लेकर जाया जाता है। इतना कोई आसान काम नहीं है, टाइम इसमें भी लगता है, टाइम उसमें भी लगता है। वो जो मुश्किल हैं, मैं कहता हूँ ये मुश्किल झेलने से वो हज़ार गुना मुश्किल अच्छी मुश्किल हैं। जितने दो दो तीन तीन माह जो लोग रास्ते में होते हैं, यकीन करें वो खाना नहीं खाते, दो दो तीन तीन माह भूखे रह कर आते हैं। पानी का पानी की बूंद बूंद को लोग तरस जाते हैं कि कहीं हमें पानी मिल जाए, पानी मिल जाए तो खाना नहीं मिलता, खाना मिल जाए तो पानी नहीं मिलता, ऐसी ऐसी सिचुएशन। और रास्ते में जो है ना मुंह का पता है धोने का, धूल मिट्टी गर्दो गुबार और इस तरह के रास्तों से लाते हैं, और पैदल कितने कितने दिन चलाए जाते हैं। मैं कहता तो आज का इस वीडियो का मकसद यही था कि आप जैसे भी हो कानूनी तरीके से कहीं भी आप जाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो खुदारा खुदारा कानूनी तरीके से जाएं। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को इतना स्टेबल कर दे कि हमें कहीं और किसी बाहर के मुल्क में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज के इस पैगाम के साथ वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।